चाहता है हम पाकिस्तान पूरी क्या कर रहे हो यार क्या कर रहे हो खत्म करने की बात हो रही है प्लीज प्लीज एक शॉट पाकिस्तान अजीम बनेगा क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला ओवर एक्टिंग की औलाद चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या हा? मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा हाँ भाई कैसी लगी मजा आया शहबाज शरीफ साहब ने जंगला बस बनाई है सब खुल के हंसे सारे बस थैंक यू क्यों निकाला कोई सेंसर बात नहीं जाओ जाओ तुम नहीं बैठ सकते हमारे घर में नहीं आ सकते निकल जाओ मेरे घर से निकल जाओ तुम हमारे हो ना हम तुम्हारे दूर हो जाओ यहाँ से मेरे निगाह से दूर अभी और सुनिए मुझे क्यों निकाला गया आज फिर पूछता हूँ मैं क्यों निकाला गया भाई क्यों बोलो क्यों यही तो नहीं बता रहा वो शायद यही तो वो नहीं बता रहा पूरी पेमेंट ले चुका है 170 रुपए कैश पेमेंट कर चुका हूँ Hey, I'll come look at this. अगर ये मुझे शहीद करना चाहे आओ मेरा सीना हाजिर है कराची के अवाम ने अपना पैगाम पहुंचाया है कि कराची के अवाम इस कठपुतली के हुकूमत के साथ है मैं नहीं बताऊंगा इसकी सजा मिलेगी बराबर मिलेगी Several days later जनाब स्पीकर जी प्लीज जनाब स्पीकर आज का जो जॉइंट सेशन है मेरे ख्याल में लोगों को इसकी जी प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज ये गुफ्तगू नहीं करने दे रही है कौम ये कौम नहीं बोलने दे रही है हर चीज का मजाक बना रही है आप बात कर रहे हैं पहले इस कौम को आप सीरियस बनाएं इनकी बदतमीजियां बंद करें इनको कैसे दिया आपको नहीं दिया अच्छा शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए ना ही डर के समझे ना एक मिनट ठहर जाए इनको तकलीफ पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा इनको रुलाऊंगा मैं Several months later. आपको बता रहे अहम खबर दे रहे हैं नैब की टीम आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए जरदारी हाउस पहुंच चुकी है इनको तकलीफ पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा इनको रुलाऊंगा मैं इनको तकलीफ पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा इनको रुलाऊंगा मैं कोई अल्फाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ आप डर गया ऐसा ही समझो हैप्पी बर्थडे माय लव बिलावल से फिर रब्ते आपके फिर ताल्लुकात बहाल हो गए बीच में आप नाराज हो गए थे उससे अब ताल्लुकात फिर बहाल हो गए मेरी बिल्लो रानी से फिर सुलह आप जलते हैं हमारी 6-7 दिन की होती है बस वो भी आप लड़वाना चाहते हैं बिलावल तो मुझ पे भी तनकीद कर रहा है मुझे तो डर है किसी दिन अपने कपड़े फाड़ कर ये थाने चले जाएगा कि शेख रशीद ने छेड़ा
इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। कैसा दिया आपको है? बारिश को रुके हुए, बारिश को थमे हुए तकरीबन 72 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका है, ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। ये तो होगा, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क्या ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हमको मालूम है, अब हम क्या करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये बोल सकता है? Oh my God! Wow! लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अभी आपको साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी जो पानी इस बार साफ हुआ है वो पहले कराची की तारीख में नहीं हुआ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, इनको ये पता नहीं विंटर कब होता है। देखो सर्दी सर्दी होती है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये दावा करें कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे, कद्दू इलेक्शन कराएंगे। इंग्लिश में बात काफी हो गई है, आपस की बात जैसा हिंदी में बात कर लेते हैं, देसी भाषा में। आपने बहुत अच्छा आप, बोला आप हिंदी में कहे, मैं उर्दू में कहूंगा। चलिए coming straight.